प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? शिवन्या बेटी, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अब तुम्हारे माँ बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? क्या हुआ मेरे माँ बाबा को? शिवन्या, तुम्हारे माँ बाबा की हत्या कर दी गई है। उस काली नागिन ने दो औरतों के साथ मिलकर तुम्हारे माँ बाबा की हत्या कर दी। उनमें से एक औरत का चेहरा तो मैंने देख लिया, लेकिन मैं दूसरी का चेहरा नहीं देख पाया। वो दूसरी औरत ने अपना मुंह ढका हुआ था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। गुरुदेव, मुझे अपना इंतकाम लेना है, कृपया मेरी मदद करिए। उसके बाद गुरुदेव की मदद से शिवन्या दो कातिलों का चेहरा देख लेती है, लेकिन तीसरे कातिल का चेहरा ढका हुआ होने की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पाती है। अरे वाह काली नागिन, तू तो बड़ी चालाक निकली। नागराज और नागरानी को मारते समय तूने अपना रूप ही बदल लिया। मुझे काली नागिन बोलना बंद कर, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यामिनी, चलो अब घर के अंदर चलो, अगर किसी को शक हो गया तो। जानवी ठीक कह रही है, चलो घर के अंदर चलो। मेरे माँ बाबा के कातिल इसी घर में रहते हैं, मुझे किसी भी बहाने इस घर में घुसना ही होगा।